दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे 5 जासूसी पहेलियां पूछेंगे। हर पहेली का जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 20 सेकंड का समय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितनी पहेलियां सुलझा पाए थे। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली का नाम, पत्नी की हत्या। एक आदमी कार में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। वहां आसपास कोई भी नहीं होता है। वो इधर उधर देखता है और डेड बॉडी को कार से नीचे फेंक देता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि डेड बॉडी पर उसकी उंगलियों के निशान ना दिखें। एक घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर आती है और उसके पति को कॉल करती है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाला उसके पति को घटना स्थल पर आने को कहता है और फोन काट देता है। जैसे ही वो आता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को कैसे पता चला कि खून उसके पति ने ही किया है? क्योंकि उसने पुलिस वाले से ये नहीं पूछा था कि कहां पर आना है, इसलिए पुलिस वाले को समझ आ गया कि खून उसी ने किया है। पहेली का नाम, बंद कमरे का रहस्य। टोनी अंकल एक घर में अकेले रहते हैं। क्योंकि टोनी अंकल काफी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो कहीं ज्यादा चल के नहीं जा सकते हैं। ज्यादातर चीजें वो अपने घर पर ही मंगवाते हैं। शुक्रवार को डाकिया एक डाक लेके उनके घर आता है, लेकिन डाकिये को घर में कुछ संदेहजनक लगता है और वो ताले के छेद से अंदर देखता है। एकदम से उसकी नजर खून से लथपथ टोनी अंकल की लाश पर पड़ती है। फिर वो जल्दी से फोन करके पुलिस को सूचना देता है। पुलिस घटना स्थल पर आती है, जहां उनको ये चीजें मिलती हैं। 2 दूध की बोतल, मंगलवार का अखबार, एक मैगजीन, कुछ विज्ञापन, कुछ बंद चिट्ठियां। पुलिस ने कुछ देर तक सोचा और पहचान गई कि टोनी अंकल का कत्ल किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? खूनी है अखबार बांटने वाला, क्योंकि वहां पर बुधवार और गुरुवार का अखबार नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसे मालूम था कि वहां अब कोई अखबार पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने मंगलवार के बाद वहां अखबार नहीं डाला। पहेली का नाम, संदीप को किसने मारा। शनिवार के दिन संदीप नाम का युवक अपने घर में मरा हुआ मिला। जब उसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी मीरा अपने कमरे में सो रही थी। जब पुलिस घर में आती है तो मीरा वो सब बताती है जितना वो जानती है। मीरा बताती है, जब संदीप की हत्या हुई, रसोईया नाश्ता बना रहा था, नौकरानी कमरा साफ कर रही थी, नौकर चिट्ठियां निकालने गया था। पुलिस तुरंत ही आरोपी को पकड़ लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि संदीप की हत्या किसने की और कैसे? संदीप का हत्यारा है उसकी पत्नी मीरा, क्योंकि जब वो सो रही थी तो उसको कैसे मालूम हुआ कौन क्या क्या कर रहा है? पहेली का नाम, टेप रिकॉर्डर का संदेश। राजू अपने घर में मृत पड़ा था और उसके सीधे हाथ में बंदूक थी। इंस्पेक्टर बिलावर उसके घर पर पहुंचा और छानबीन करने लगा। वहीं टेबल के पास बिलावर को एक टेप रिकॉर्डर मिला। बिलावर ने टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया और संदेश सुना।
मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, मैं आगे जीना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर बिलावर मुस्कुराया और बोला, यह एक हत्या है ना कि आत्महत्या। इंस्पेक्टर बिलावर को ऐसा क्यों लगा? अगर राजू ने आत्महत्या की होती तो वो खुद टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड कैसे कर सकता था? इसका मतलब वहां कोई और था जिसने हत्या की और फिर टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करके रख दिया। पहेली का नाम, स्कूल में हत्या। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल के पहले दिन ही एक लड़की की क्लासरूम में हत्या हो जाती है। पुलिस ने चार संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल ने कहा कि वो दिन भर अपने ऑफिस में ही थे। गणित की टीचर ने कहा कि वो अपने स्टूडेंट्स को मिड टर्म एग्जाम्स के ग्रेड्स दे रही थी। चपरासी ने कहा वो पोस्ट बॉक्स से चिट्ठियां लेने गया था। स्वीपर ने कहा वो पहले माले पे टॉयलेट साफ कर रहा था। बताओ कौन झूठ बोल रहा है? गणित की टीचर झूठ बोल रही है क्योंकि स्कूल खुलने के पहले दिन ही वो मिड टर्म ग्रेड्स कैसे दे सकती है।